हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे कुछ नया आप देखते हैं, ठीक है। जो देखते होंगे कि बटा के ऊपर बटा रहता है, इस तरह से जो हमेशा देखते होंगे कि एग्ज़ाम में पूछता है, आप नीचे से कैलकुलेशन करते हुए ऊपर जाते होंगे जिससे ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। आज हम लोग एक नया टेक्निक से सीखेंगे, जो पहले जानते हैं उसी का, बस खाली बताने का पैटर्न चेंज आपको कर देना है। पैटर्न कैसे चेंज करना है, सबसे पहले देखिए, इस टाइप से जब क्वेश्चन दे दें तो सबसे पहले भी जो लिखना है इसमें, फर्स्ट स्टेप में इसको लिख लेना है फर्स्ट में, ठीक है। और दो के जो लिखना है इसे किस में लिखना है, सेकेंड स्टेज में। जैसे कहने का मतलब हुआ कितना है, एक लिख दिए, यहाँ दो लिख दिए। अब देखिए इसमें यहाँ से गिन लेना है कितना है? एक दिया है, एक प्लस में किया है, एक दो तीन चार, यहाँ दो में भी दे सकता है जितना में थे, जिस तरीका से देगा यहाँ दो में देता है, यहाँ दो लिखते। अब देखिए एक है, एक एक एक, तो यहाँ चार ठो आप समझने के लिए चार स्टेप में हम लोग जाएंगे, चार ठो पॉइंट लेके चार ठो ऐसे कर लीजिए। अब करना क्या है, अब देखिए एक में क्या करना है, एक और दो के जोड़ देना है, तो एक में जब दो जोड़िएगा तो कितना चलाएगा, तीन, तो यहाँ लिख दीजिए तीन, ठीक है। फिर दो में इसी दो में तीन के जोड़ देना है, ठीक है, तो तीन दो कितना हो जाएगा, पाँच, ठीक है। पाँच में फिर इसी तीन को जोड़ देना है, पाँच या तीन आठ, फिर आठ में इस पाँच को जोड़ देना है, आठ पाँच तेरह। हम लोग के चार स्टेप था, चार स्टेप तक चले, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। बोले कि इसको सबसे पहले में लिख लेना है, इसको इसके बाद में सेकेंड स्टेप में। अब इसमें जोड़े हैं, एक में क्या किए हैं, एक प्लस दो जोड़े, कितना चलाया, तीन, फिर देखिए तीन है। अब ये तीन में कितना जोड़े हैं, तीन ई जब आ गया तो तीन में फिर कितना जोड़िएगा, थ्री प्लस टू जोड़ दिए, कितना चलाया, फाइव। अब देखिए इसी फाइव में कितना जोड़ देना है, थ्री, समझिएगा। बोले कि एक में जो जोड़ देना है कितना जोड़े, दो, तो कितना आ गया, तीन। अभी देखिए तीन, और तीन में मैं क्या किए, इधर वाला जोड़ देना है, तीन दो पाँच, फिर पाँच में देखिए कितना जोड़ना है, पाँच प्लस कितना कीजिएगा, तीन, तो आठ, और आठ में फिर कितना जोड़िएगा, पाँच, आठ प्लस पाँच तेरह, ठीक है। अब चलाया चार स्टेप तक, तो चार तक। अब जो आगे था उसको आगे लिखना है, पाछे था जो पीछे, यानी जो पीछे जो आगे रहेगा आगे लिखना है, यानी कहने का मतलब कि जो आगे रहेगा उसको अंश में लिखना है, और जो पीछे आएगा उसको किस में लिखना है, हर में लिखना है, यानी नोमिनेटर में आ जाएगा हम लोग के आठ, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, तेरह, ठीक है। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ईजी वे में आपका बन जाएगा, समझ रहे ना। लेकिन अब ये देखिए, ये जब इसके अपॉन में, इसके बटा में जब दिए हुए रहेगा इसके ऊपर, तब होता, ठीक है, तब इस तरह से। अगर मान लेते हैं कि ई अगर एक यहाँ पर इस तरह से ना रहता, तब आप क्या करते हैं कि ई डायरेक्ट जो रहता से ई नहीं होता, ई वाला पहले लिखते, कितना हो जाता, तेरह बटा कितना चलाता, आठ, ठीक है। इसमें चेंज हो जाएगा ये, इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के जो हम क्वेश्चन ले लिए हैं वो आगे ले लिए हैं, ठीक है, ताकि दोनों टाइप से आपका क्लियर हो जाए। अब देखिए इसमें भी वही करेंगे, फर्स्ट में कितना है यहाँ दे दिया है, कितना दिया है, दो, ये फर्स्ट स्टेज में लिख दिया है दो, सेकेंड स्टेज में कितना है, थ्री है, तो फर्स्ट में क्या कीजिए आप, लिख लीजिए दो और तीन, एक दो तीन चार, चार ठो है, चार ठो आप पॉइंट ले लीजिए समझने के लिए, चार स्टेप में हम लोग जाएंगे, तो तीन और दो कितना हो जाएगा, पाँच, पाँच और तीन कितना हुआ, आठ, आठ और पाँच कितना हुआ, तेरह, और तेरह और कितना, आठ, कितना चला है, इक्कीस। अब देखिए इसमें इक्कीस इसके तो अपॉन में बटा में है नहीं, इस तरीका से जो इसमें दिया हुआ था, लास्ट स्टेप में वही जाता है तो ऊपर चल जाता है, आप लोग पहले से भी जानते होंगे। अब क्या करना है कि इसको सबसे पहले लिख लेना है, ठीक है, यानी कितना इसका आंसर आ जाएगा, तेरह, सॉरी इक्कीस बटा कितना हो जाएगा, तेरह, ठीक है। इस तरह से इस टाइप के जो क्वेश्चन है से बनाना है। इस टाइप में जो हम लोग पढ़े कि क्या है, प्लस वाला था, नेक्स्ट टाइप में जो हम लोग पढ़ेंगे से क्या होगा, माइनस वाला होगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।